रग्बी विषय है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इसलिए सबसे पहले हमें ये पता चलनी चाहिए मैं कौन हूँ। जैसे आप किसी ऑफिस में काम करने जाओगे, आप पूछेंगे ना भैया आपके पास में कौन सा डिग्री है। अगर इंजीनियरिंग करते हो तो फिर आपको इंजीनियर की तरह काम मिलेगा। अगर CA किए हुए ठीक वैसे ही काम मिलेगा। अगर आपने डॉक्टरी किया हुआ फिर आपको कौन सा काम, डॉक्टर का काम मिलेगा। अगर CA को अगर डॉक्टर का काम तो डॉक्टर का CA का काम तो कर सकता है, कर सकता है, वो कर ही नहीं सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए भैया मैं कौन हूँ। जब तक ये चीज़ नहीं पता चलेगा ना, हम जो कुछ करेंगे सब गलती गलती करेंगे, सारे हम गलती करेंगे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी को प्रश्न किया, बोले चैतन्य महाप्रभु कौन है। कभी राधा कृष्ण दोनों मिल करके इनका एक रूप श्री चैतन्य महाप्रभु है। उन्होंने प्रश्न किसको किया, किसको प्रश्न किया, बोले श्री सनातन गोस्वामी। कभी सनातन गोस्वामी कौन थे, उसी समय में बंगाल का नवाब का अधीन में वो प्राइम मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे। इनकी तनख्वाह कितनी थी, कहते 10,000 स्वर्ण मुद्रा की बता है, 10,000 स्वर्ण मुद्रा तनख्वाह थी। हम तो रिश्वत दे करके नौकरी ढूंढना चाहते, रिश्वत दे करके है, लेकिन इन्होंने रिश्वत दे करके नौकरी छोड़े, रिश्वत दे करके नौकरी भी छोड़े। बोले कितना पैसा रिश्वत दिया आपको पता है, ये मंत्री पद को प्राइम मिनिस्टर पद को छोड़ना चाहता है। अब भारत में तो कितना लड़ाई हो रही है प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, लेकिन जब भक्ति के आनंद इसको मिल जाए ना, संसार का सारे आनंद उसको सामने फीकी पड़ जाते हैं। और इनको जब देखा, इनका छोटा भाई जो थे फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने पहले छोड़ कर चले गए। जब छोड़ करके चले गए, अभी ये भी चाहते थे भैया हम भी छोड़ करके वृंदावन में भजन करने के लिए जाओ, भजन करने के लिए जाओ, लेकिन राजा ने कहा अगर ये छोड़ दिया ना फिर राजा का ठप हो जाएगा, इनको जेल में बंद कर दिया, इनको जेल में बंद कर दिया, ये भावा नहीं पड़ बन पाए है। लेकिन उन्होंने जो चौकीदार था ना, जो गेट किए, जो थान की, जो जेल जो कीपर था, जेल कीपर, तो उन्होंने बोले भैया तेरे को मैं 10,000 स्वर्ण मुद्रा देता हूँ, मेरे को यहाँ से तो छोड़ दे। उसको जीवित पानी आ गया, बोले जिंदगी में तो इतना पैसा कमा ही नहीं सकता, मेरे बेटे का बेटे का बेटे का बेटे का बेटे का है, तब तो खत्म नहीं होगा है। बस उन्होंने उनको छोड़ दिए और वृंदावन में आए। इतने बाबा भजन किया, इतना भजन किया, हम तो दर्शन करने के लिए ठाकुर को जाते हैं, ठाकुर उनको दर्शन करने आते थे। मदन मोहन का नाम सुने हो, कहाँ है ये, इनका ये बाबा ही ठाकुर है, इन बाबा ने भी ठाकुर जी को इन्होंने प्रकाश कर दिया है। और जो गोविंद देव है इनका, इनके छोटे भाई श्री रूप गोस्वामी, जो गोविंद देव को इनके छोटे भाई ने प्रकाश कर दिया, ये दोनों भाई के ही ठाकुर इस इतने भजन किया। इसलिए इन्होंने इनको प्रश्न किया भगवान ने, इनको पहला प्रश्न था ये बताओ मैं कौन हूँ। दूसरा प्रश्न है जगत में कोई भी दुख को निमंत्रण नहीं देते, देते हो कोई दुख हमारे घर में आए, कौन देता है, लेकिन ये बिना बुलाए दुख क्यों आता है। इन्होंने उनको दो प्रश्न किया है, मैं कौन हूँ और जगत में कोई नहीं बुलाने पर भी ये दुख हमारे घर में क्यों आता है, हैं। तब इनका उत्तर उन्होंने किया, बोले जो जीव है, जीव स्वरूप है कृष्ण है नित्य दास, हम जो जीव है वो भगवान का ही नित्य सेवक हम है, उनकी नित्य ही उनका दास है। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं जो जीव है वो ईश्वर का ही अंश है, अमल चेतन सहज सुख राशि है, सहज में सुखा ढेर, लेकिन सो माया बस भय गोसाई बंधी मरकट कीट न्याय। लेकिन है तो हम सबके सब भगवान का दास, लेकिन अभी माया में बसूत होकर के अभी हम संसार में दुख कष्ट को भोग कर रहे हैं, है। पर इनका पहला प्रश्न उत्तर दिया, हम कौन है भगवान का, तुम्हें माता चो पिता तुम, अगर वो अगर हमारे पिता माता फिर हम क्या करनी चाहिए, उनको तो सेवा करनी चाहिए ना, क्यों तुम जो है तो वही काम तो करनी चाहिए ना, लेकिन हम वो काम नहीं करके माया की सेवा कर रहे हैं। तो दुख का कारण क्या है, मेरे दुख का मूल जड़ कारण है हमने भगवान की दासत्व को
भगवान की भक्ति को, भगवान की सेवा को हमने छोड़ दिया है, असली पिता को हमने छोड़ दिया है। छोड़ने का वजह से सारी दुख कष्ट का जड़ गई। हनुमान जी दिन भर क्या करते, राम का नाम, राम की सेवा करते, आनंद ही आनंद है, वो आनंद ही आनंद है। इसलिए अगर हम जीवन में भगवान की सेवा करें, उनकी भक्ति करें, सेवा करें, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद रहे। इसलिए इसलिए आज का जो क्लास है, मैं कौन हूँ, पहले ये चीज को समझ लो, फिर तो उसको बाद में फिर जो करोगे वो सही करोगे, नहीं तो सारे गलत करेंगे, सारे को सारे गलत करते रहेंगे हैं। इसलिए अभी मैं कौन हूँ, इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, बोले मम बांस जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कहते हैं अर्जुन, जगत में जितने जीव है सब मेरे औलाद है, हम सब भगवान के अंश हैं, सब भगवान के बच्चे हैं, हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी ममई बांस जीव लोके अजीव भूत सनातन। भगवान जैसे सनातन है, सत चीत आनंद है, हमारे हमारे अंदर में भी यही गुण है, क्योंकि हम उनके संतान हैं, इसलिए वो सत है। इसलिए देखना जगत में कोई बूढ़ा बनना चाहते, बोलो कौन बूढ़ा भाई बनना चाहते, कौन, कोई नहीं, सब चाहते हम चंगे रहे। एक बाल अगर पक जाए ना उसको उखाड़ देते, बोले नहीं हम बूढ़ा बनना नहीं चाहते। इसलिए ये हमारे जो भगवान जो प्रभु हमारे जो मूल पिता है, हर समय वो नवक ईश्वर नटव है। आप भगवान राम कृष्ण को देखो, कहीं बूढ़ा मूर्ति देखे हुए में, उनका दाढ़ी पोछ कभी हुआ है। इसलिए कृष्ण हर समय 14.5 साल उम्र में रहे, भगवान राम 11,000 साल तक थे जगत में, लेकिन हर समय उनका मूर्ति देखना जरूर देना, हर समय 14.5 साल उम्र जैसे बच्चा होता है ना, उससे कभी ये ज्यादा उम्र नहीं हुए। उनके जितने गोपियों को देखो, कहीं उनको गोपियों को देखो, राधा रानी को देखो, 13.5 साल 12-11 साल, इससे ज्यादा कभी नहीं देखोगे। उनको जितने ग्वाल वालों को देखोगे, हैं, जितने ग्वाल वालों को देखोगे उनको भी देखोगे, वही बच्चे सब, कोई बूढ़े नहीं होते। हमारी स्वरूप वही है, हम क्योंकि हम भगवान के अंश है ना, इसलिए हर समय हम चाहते यंग रहे हैं, हर समय एकदम चंगा रहे, हम जगत में बूढ़े नहीं बने हैं। इसलिए सत चित और आनंद शब्द आनंद ढूंढते हैं, जिंदगी भर आनंद ही ढूंढते हैं। इसलिए कहते भगवान कहते जीव कौन है, मेरे अंश है, हमारे अंश है। इसलिए एक चीज देखना, हम कहते हैं ये हाथ किसका हाथ है, मेरा हाथ है, ये आँख किसकी आँख है, मेरी आँख, ये नाक किसकी है, मेरी, मतलब कौन है, कोई कहता है मैं आँख हूँ, कोई कहता है मैं हाथ हूँ, कोई कहता है मैं प्यार, मेरे मेरी मतलब किसके लक्ष्य करता है, किसके, ये चीज अच्छा तरह समझो, किसको लक्ष्य करता है, कोई नहीं कहता है मेरा हाथ है, मैं हाथ हूँ, मैं प्यार हूँ, कोई बोलता है कहते मेरे हाथ, मेरे आँख, मेरे प्यार, मेरे मतलब किसको लक्ष्य करता है, मतलब ये जो हाथ प्यार है ना, ये सब के सब आत्मा की है, ये तुम्हारी नहीं, तुम हाथ नहीं, तुम प्यार नहीं, तुम है, तुम आँख नहीं हो, किस कौन है वो आत्मा की, सब आँख प्यार किसके लिए, मेरी आँख, मेरे हाथ, मेरे है, ये सब मेरे मेरे कहते हैं। इसलिए अगर किसको बोलो वो आत्मा कहाँ रहती है, वो आत्मा कहाँ रहती है, कहते हृदय में रहते हैं। जब कोई कहते हैं ना ये काम किसने किया, छाती ठोक कर मैंने किया है, किसने किया है, अगर मैं नहीं करता कोई काम थोड़ी हो जाता है, मैंने ये काम किए। इसलिए कहाँ पर हाथ कहाँ पर हाथ ठोक कर कहते हैं, दिल में। इसलिए कहते वो आत्मा कहाँ रहती है, हृदय में रहती है। इसलिए भगवान कहते हृदय तिष्ठते अर्जुन है, कृष्ण कहते हैं अर्जुन है, मैं जब सब जीव का हृदय में ही मैं रहता हूँ, हृदय में रहता हूँ। इसलिए हम सबके सब ये शरीर ही नहीं है, हम सबके सब ये आत्मा है। अभी प्रश्न है, पर ये आत्मा दिखती नहीं, ये आत्मा हमें क्यों नहीं दिखती है, मेरे कारण बताए, कभी जो आत्मा की जो स्वरूप बताए, बोले बालाग्र सतभाग सतधा कल्पित दिया है, जैसे बाल है इसका जो अग्रभाग है, अग्रभाग को ले लो, उसको 100 भाग कर लो, अग्रभाग सतभाग्य, फिर उसको 100 भाग कर लो, जितना छोटा होता है आत्मा इतना ही छोटा है, होने का नाते है, होने का नाते ये आत्मा हमें नहीं दिखती है। एक गिलास पानी लो, एक गिलास पानी लो, उसमें जो अणुविखंड जो यंत्र है उसमें देखना,
उसमें इतने जीव है, एक ग्लास पानी में उसमें इतने बैक्टीरिया है, पृथ्वी में इतने लोग भी नहीं होंगे। लेकिन हमें ग्लास में पानी में क्या दिखता है, हैं साफ दिखता है, लेकिन जब देखोगे इतने बैक्टीरिया उसके अंदर में, एक शरीर सड़ जाए देखना उसमें इतने कीड़े बन जाएंगे, उसमें इतने कीड़े बन जाएंगे पृथ्वी में इतना लोग नहीं, इतने लोग ही नहीं इसमें हैं। इसलिए ये आत्मा हमें नहीं दिखती है, इतना छोटा छोटा ये आत्मा है, हैं। देखो भागवत का एक कथा सुन लो, भागवत की कथा सुन लो। कहते हैं एक समय जब भगवान वराह अवतार में, उन्होंने हिरण्यकश्यप को वध कर दिया वराह अवतार में, अभी होने पर अभी सबके सब, अभी जब उसका भाई हिरण्यकश्यप मर गए, अभी सबके सब दुखी होकर बैठे, परिवार सबके सब रो रहे हैं। जब रो रहे हैं इतने में हिरण्यकश्यप उनको कथा सुना रहे, परिवार को बोले देखो एक स्टोरी सुन लो। बोले बताओ। बोले एक राजा थे जिनका नाम था सुजन्य, बड़ा पराक्रमी था, एक देश के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, वो जय करते 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 सारे राज्यों को अपना राज्य में मिला रहा था। लेकिन जहाँ एक सर है ना कहीं सभा सर मिल ही जाता है, हैं? सर का भी सभा सर मिल गया था, मिलेगा तो घमासान युद्ध हुई, युद्ध होते जो सभा सर था ना, मार इसको ऐसे तलवार गले में, गला उतार दिया। जब गला उतार दिया, अभी जिस देश को जय करता था वो राजकुमार जी शादी कर जाता था, इसलिए उसको बहुत सारी सुपत्नियाँ थी, बच्चे थे, पिता माता थे। अभी जब शरीर छोड़ दिया उसको, बड़का सब सफेद कपड़ा पोखन ढक लिया और पूरा परिवार बैठ करके सबके सब रो रहे। जब परिवार सबके सब बैठ करके रो रहे हैं, अभी उनको जमदूत लेने के लिए आए। लेकिन जब जमदूत लेने के लिए आए, कहते तो उनके पत्नियों में एक पत्नी थी जो भक्ति करने वाली, जिसके गले में ये तुलसी कंठी थी। देखो तुलसी कंठी कितनी महत्व, जिसके गले में ये तुलसी कंठी थी, तिलक लगाई थी, वो भक्ति करने वाले माला जप करती थी, उसने है ना वो पति को शरीर पर हाथ रखकर बैठे थे। बैठे होने का नाते वो जमदूत तो लेने के लिए आए, इसको ले नहीं पाए। बोले क्यों नहीं पाए, उनको याद है कल सुन रहे थे ना जो अजामिल की कथा सुन रहे थे, हैं अजामिल की कथा, वहाँ पर जम महाराज किया। बोले बोले खबरदार, जिनकी जो तिलक लगाए होंगे, जिनकी गले में तुलसी कंठी देखोगे, जो भगवान के नाम जप करते ना उनको कभी मत लाया करना, वो पालतू है। और जिसको गले में कंठी नहीं हो कौन है, वो सब फालतू कुत्ते है, इसलिए ये फालतू को मत लाना, इसलिए फालतू वालों को लेना है, इसलिए नहीं तो कहे डंडा पड़ेगा तुम्हारे ऊपर, मार खाना पड़ेगा। इसलिए देखा उसको गले में तुलसी कंठी तिलक लगाई भजन करती है, वो डर के मारे ना जमदूत को ही नहीं गए लेने के लिए, वो गए वापस। वापस गए बोले भाई उसको क्यों नहीं लाए, बोले उसको पत्नी में एक भक्ति करने वाली, भजन करने वाली, उसको ऊपर हाथ रखकर बैठी हुई, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमको याद है एक बार पिटाई हमने खाई, दो बार पिटाई हम नहीं खाएंगे। फिर इतने में यम महाराज स्वयं आए, एक छोटा बालक धारण रूप धारण कर, हाँ कर जब आए और वहाँ सबके सब रो रहे थे, सबके सब वहाँ रो रहे थे। तब जब महाराज ने बोले भैया क्या बात, क्यों रो रहे हो, बोले तू बच्चा क्या समझेगा, तू जा तू नहीं समझोगे। बोले यही था आश्चर्य की बात, मैं जो चीज़ समझ रहा हूँ तुम तो वही चीज़ समझ नहीं रहे हैं, मैं जो चीज़ को मैं समझ रहा हूँ वो चीज़ को तुम समझ नहीं रहे हो। उनको बड़ा आश्चर्य लगा, छोटा बच्चा ऐसे बोलता है। बोले भैया क्या समझ रहे हो, बोले ये बताओ इसका हो गया क्या, आप लोग ध्यान देकर सुनो, ये सब बात याद रखना, अब दूसरों को भी सुना सकते हो है। इसलिए कहते हैं भैया क्या है, बोले ये क्या हो गया, बोले मर गया, क्या हो गया, मर गया। बोले मर गया, गया मतलब मर नाम का कोई स्थान होगा, वहाँ गया, वहाँ से वापस आएगा, मर गया बोलते ना, मर गया, दिल्ली गया, बम्बे गया, मद्रास गया, गया तो आएगा फिर करके ना, फिर जब फिर करके आएगा फिर तुम रो रहे थे वो तो गया आएगा। बोले इसलिए तो बोल रहे थे तो नहीं समझोगे है, नहीं समझोगे। बोले भैया मैं जो चीज को समझ रहा हूँ तुम तो वो चीज को समझ नहीं रहे हो। बोले किस चीज की, बोले तुम लोगों ने खुद बोला ना मर गया, मैंने बोला ना तुमने बोला, तुमने बोला मर गया, वो गया तो फिर वापस आएगा। बोले बेटा जहाँ गया कभी वापस नहीं आएगा वहां से, लो जहाँ गया वापस नहीं आएगा, जब वापस नहीं आएगा फिर रो रहे। जब व्यक्ति कभी वापस नहीं आएगा जहाँ गया फिर रो रहे क्यों, तुम लोग जैसे बेकूफ दुनिया में भी होगा,
जो व्यक्ति कभी आएगा नहीं उसके लिए बिना कारण से बैठे बैठ के तुम रो रहे हो हैं? बोले देख बेटा, और अभी तक जिसको कोई पिता बोल रहे थे, कोई अपना पति बोल रहा था, कोई अपना बेटा बोल रहा था, वो तो सोया हुआ है, तुम्हारे सामने लेटा हुआ नहीं है। तुम अभी तक किसको किसको साथ में तुम्हारी संबंध थी बताओ? शरीर से तो थी, आत्मा को कभी देखे हो तुम लोगों ने? बोले नहीं देखा। बोले जिस चीज को तू जिंदगी में कभी देखा ही नहीं उसके लिए रोना तो मूर्खों लोग रोते हैं, और जिस चीज को तुम जिंदगी भर देखा है, तुम्हारे साथ में रहा डोला सामने खड़ा हुआ है, उसके सामने वो लेटा, उसको बात करना उसके साथ में। बोले बेटा उसकी आत्मा चली गई। बोले आत्मा चली गई? बोले हाँ। बोले आत्मा काली थी ना गोरी थी? कितना लंबा थी और कितने चौड़ाई थी? बोलो कितने चौड़ाई लंबाई थी? बोले हमने देखा ही, हमें सुना है। बोले जिस चीज को सुने जिस चीज को कभी देखे ही नहीं उसके लिए कौन रोते हैं? बेकूफ रोते हैं। फिर उन्होंने बोले देखो तुमको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। जब महाराज फिर हमको एक छोटी सी कथा सुनाई, एक समय एक कबूतरी बड़े आनंद से प्रेम से रहते थे, प्रेम से रहते थे। अभी कबूतरी के अभी बच्चा हुई, अंडा हुई, अंडा फूटा तो बच्चा हुआ। अभी दोनों कबूतर कबूतरी बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए गई, दाना कहीं मिले खुद भी खाएंगे बच्चों के लिए ले आएंगे। लेकिन एक बहेलिया ने जंगल में एकदम मोती जैसे चावल का ठिंडा बिछा करके और वहां पर जाल बिछा करके बैठा हुआ, कोई चिड़िया आएगा तो उसको मैं पकड़ लूंगा। इतने में दोनों कबूतर कबूतरी बैठे हुए थे पेड़ के ऊपर में, बैठे हुए थे तो इतने नीचे झांके तो एकदम मोती जैसे वहां चावल का किनका दिख रहा हुआ है। इतने में कबूतरी कबूतर के कहता है बोले चलो हम ये मोती जैसे चावल का किनका उसको खाएंगे और बच्चे के लिए भी ले जाएंगे। इतने में कबूतर समझा रहे बोले सावधान, यहाँ पर कोई थोड़ी कोई सेठ साहूकार यहाँ पर है जो तुम्हारे लिए मोती जैसे दाना को बिखार कर रखेंगे। लगता है किसी बहेलिया का षड्यंत्र है, वो हमें पकड़ने के लिए छुप करके जाल बिछा कर बैठा हुआ होगा। जब इतना पुरुष ने बोला, पत्नी ने बोली, अरे पुरुष लोग ऐसे बोलते रहते हैं, सामने दाना पड़ा हुआ है चलो खाएंगे बच्चे के लिए ले जाएंगे, अरे बहेलिया बिचारे सब क्यों बेकार बात कर रहे हो चलो। इतने में जो कबूतर थी ना हरे करके उड़ते हुए गई और दाना चिबना शुरू कर दी। लेकिन सचमुच से वो बहेलिया जाल बिछा करके छुप करके पेड़ की आड़ से बैठा हुआ था। जब देखा इसने दाना चुगना शुरू कर दिया, झट जाल को खेल दिया तो कबूतर आ गई। जब कबूतर इसमें आ गई, अब इतने में जो कबूतर ने था वो पेड़ में बैठा हुआ था, जब देखा मेरी कबूतरी जाल में फंस गई, वो इतने दुखी को भी पार करके उड़ते हुए आया। एक कबूतरी अंदर में कबूतर बाहर, और दोनों दोनों में चोंच लगा करके बोले हम जिंदगी में कितने बढ़िया से रहे, कितने आनंद में रहे, देखो काल का देखो क्या कराल गति तुमको जाल में पकड़ लिया। अगर तू रहती तो बच्चों को कौन पालती है? माँ पालती ना, बाप पालता है, माँ पालती है। अगर तू रहती तो किसी तरह से बच्चों को पाल लेती। अभी मैं पुरुष हूँ, मैं कैसे बच्चों को पालने करूँ, मैं बच्चों को कैसे मैं पालने करूँ? इसलिए देखो काल ने किया क्या, बस दोनों चोंच में चोंच लगा करके दोनों रो रहे थे। वो बहेलिया दूर में देख रहा था, इतने में उठाया बाण, तीर उठाया, तीर उठा कर जो बाहर जो रो रहा था ना, तीर उठा उसको मारे, मारते ही ना उसको छाती की इस पार से उस पार हो गया। भास को हंसते हुए आया, दोनों टांग को बांधे और लटकाया कंधे के ऊपर, हंसते हुए लेकर गए और मारकर खा गया। ये कौन सुना? जब महाराज सुना रहे जो पत्नियां चारों तरफ में घर घर के रो रही ना उनको सुना, बोले सावधान ये तो गया ही गया, ये जो काल है ना वो ऊपर में देख रहा है, ऊपर में ये काल देख रहा है, काल किसी को नहीं छोड़ता है, किस समय किसका मृत्यु आ जाएगी, इसलिए वो तो गया तो गया ऊपर में है, पता नहीं तुमको कोई बाण मारेगा तुमको भी लेकर के चले जाएगा, इसलिए रोया मत करो। जो बोले ना वो जो वैष्णवी थी उसको ऊपर हाथ रखकर बैठे, हाथ हटा दिया, हाथ को उसने हटा दिया। वो हटाते ही जब महाराज ने उसको आत्मा को लेकर के वहां से चली गई है। इसलिए यहाँ पर सिखा देते हैं हम ये शरीर नहीं, हम क्यों नहीं आत्मा, ये शरीर पड़ा रहता है, हैं? आप देखना जिस शरीर को स्नान करके छूते हैं, आप देखना जब शरीर छूट जाती है उसको छू करके स्नान करते हैं, स्नान करते कि नहीं? जब व्यक्ति कोई घर में मर जाता है जितने लोग उसको साथ में जाते हैं सबके सबको स्नान करते हैं, स्नान करते नहीं, घर को गोबर पानी से छिड़काव करते हैं, घर को पवित्र करते। बोले क्यों भैया?
अगर आत्मा थी नहीं, ये शरीर ही अगर सब कुछ है, ये शरीर तो वैसे को वैसे पड़ा हुआ है, फिर हम किसको बोलते हैं? हमारा नाम ये, मेरे नाम ये, मैं ये नहीं बोलता, मेरा नाम ये, मेरा नाम ये, मेरे कौन है, वो कौन है? आत्मा के नाम, ये शरीर का नाम नहीं, इसलिए हम ये शरीर नहीं, हम कौन है? हम आत्मा है, शरीर नहीं हम। इसलिए 13 दिन तक अशुद्ध रहते कि नहीं? अशुद्ध रहते 13 दिन के लिए, किसके लिए रहते? शरीर तो जाके नाम पड़ा हुआ, किसके लिए रहता है? जिसके अंदर वो आत्मा थी, वो आत्मा चली गई तो है। साइंटिस्ट ने रिसर्च किया इस विषय को, रिसर्च करके साइंटिस्ट ने देखा, ठीक मरने से पहले उनको किसी शरीर को उन्होंने भोजन किया है, कितना भोजन कितना है, लेकिन जब आत्मा झट चली गई उसके बाद में भोजन किया था, उसका भोजन घटा हुआ है, उसका भोजन घटा हुआ, उसको भोजन है, उसको भोजन घटा हुआ है। इसलिए इसके लिए उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, आप देखना कुछ कुछ लोग हैं जो पूर्व जन्म की बात बोलते हैं, पूर्व जन्म की बात बोलते हैं। इसलिए मेरे पास में कुछ फटवा में दिखा है, न्यूज पेपर से मैंने कुछ निकाल कर रखा, बोले न्यूज पेपर से कुछ निकाल कर रखा, कहते उसमें हेडिंग ही न्यूज था, सुखी को गलती से ले गए जमदूत, उसका हेडिंग है सुखी को गलती से ले गए जमदूत। क्या हुआ, एक गाँव में एक माता जी को पकड़ कर जमदूत ले गए, जब जमदूत ले गए इतने में जम महाराज उन्होंने जब दूर से देखा, बोले किसको ले आए हो तुम, इसको क्यों लेकर के आए? बोले ये नहीं है, वो गांव में दूसरे व्यक्ति है, जब उसको छोड़ करके आओ। इधर क्या हुआ, शरीर छूट गया, अब उसको लेने के लिए पूरा परिवार का सब इकट्ठे हुए, उसको 38,000 है उसको ले जाने, हटा तो उसने बैठ गई, हटा तो उसने बैठ गई, बैठ करके बोले भैया ये तो मर गया तो बैठ गई जैसे, उन्होंने सारी बात बताना शुरू कर दी। मैंने कहा तो मेरे को पता नहीं, मेरे को पकड़ करके कुछ लोग, तीन लोग पकड़ करके कहाँ ले गए, और वहां देखा काला मोटा सा एक व्यक्ति बैठा हुआ, और जब बैठा हुआ उसने कहा इसको क्यों ले आए हो, ये नहीं और एक है, ये नहीं है, और मेरे को धक्का मार दिया, मेरे पीछे दर्द हो रहा है। फिर देखा उसी गांव में और एक बुढ़िया मर गई है, ये न्यूज पेपर में आया है, और मेरे पास में और एक न्यूज पेपर है, उसमें अब एक स्थान है, वो स्थान का नाम है सही, बोले जहाँ पर ब्रह्मा जी, हम कथा सुनेंगे, जहाँ पर ब्रह्मा जी बछड़े और कृष्ण की सखाओं को लेकर जहाँ छुपा लिया था, उसका नाम सही है, चौमुआ, वहाँ पर एक बेटी थी। एक समय वो उसको पिताजी बेटी को लेकर मथुरा जाना चाह रही थी, मेन रोड में वो दोनों खड़े हुए थे, मेन रोड में दोनों खड़े हुए थे, इतने में ट्रक आई तो पूरा वो लड़की के ऊपर ट्रक चढ़ गया तो वो लड़की मर गई। उसका पहले का नाम था तुलसी, है मेरे पास में उसको रखा हुआ है तुलसी जी। अभी उसने फिर दूसरे जीवन में गिरिराज गोवर्धन के पास में उसने जन्म लिया तो बेटी, जब बेटी जन्म ली, जब थोड़ी सी उसको होश आई ना, वो अलग अलग बात करती है, बोले मेरे बापा पिताजी वो है, हमारे गांव वहाँ पर है, मैं वहाँ रहता था, वो सारा दुनिया की बात करती। फिर लोगों ने सोचा होगा कोई उल्टा पुलटा हवा भाव, झाड़ फूंका खूब भराया, लेकिन जितना लड़की बड़ी होती रही ना वो उतना बात बोलने लग गई। बोले तो एक दिन बोले भैया तुम्हारा घर कहाँ, बोले चौमुआ मेरे घर है, मेरे बाप का नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, इसलिए मैं रोड में खड़ी हुई थी, हमको ट्रक ने हमारे ऊपर चली गई, मैं मर गई हूँ अभी आज जन्म हुई। बोले तेरे घर तुमको पता है? बोले हाँ पता है। बोले चलो उसको लेकर चले गई, लेकर के चौमुआ गए स्थान में, जाकर बोले ये मेरे पिताजी है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, भाई। तो उन्होंने सारी बात बताई पिताजी को, बोले आपको याद होगा हम दोनों मथुरा जाना चाह रहे थे, मेन रोड दिल्ली का रोड में खड़े हुए थे, और ट्रक आकर मेरे ऊपर चढ़ के चला गया। बोले हाँ ये तो मेरी बेटी तो मर गई कुछ दिन पहले, तो मेरी बेटी मर गई। इसलिए आप देखोगे ना, आप अगर यूट्यूब निकाल कर देखोगे कितने घटना ऐसे देखोगे है, वो सब सारे पूर्व जन्म की बात कहते हैं। इसलिए एक साइंटिस्ट थे, बोले 500-600 उन्होंने ऐसे केस उन्होंने एकत्रित किया, कोई बोलता ना आत्मा फात्मा कुछ नहीं, शरीर सब कुछ, उन्होंने ये सब केस को उन्होंने है सबके सब उन्होंने एकत्रित किया, उन्होंने एकत्रित करके बोले नहीं ये आत्मा नाम को कोई चीज एक है। देखो हमारे मंदिर में एक घटना घटी, एक समय वो अमेरिका से दो पति पत्नी आए थे यहाँ करने परिक्रमा करने के लिए, ब्रजमंडल परिक्रमा, हठात उनकी पत्नी की श्वास का बीमार थी, इस पत्नी ने शरीर छोड़ने के बाद अभी उसका बेटा अमेरिका में रहता है, इसको खबर दिया, बोले मैं जब तक नहीं आता मेरे पिता माता के शरीर को रक्षा करते रहो
अभी पत्नी ने सर्जरी छोड़ दी, जब सर्जरी छोड़ दी अभी जिस रूम में उसके पत्नी की डेड बॉडी रखा हुआ था, पति को बोले एक रात वो रहो तुम उस घर में। बोले मैं नहीं रहूँगा घर में, मैं नहीं रहूँगा। बोले क्यों? बोले मेरे को डर लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है, मैं दूसरे घर में रहूँगा। तब उसी दिन परिक्रमा हमारा जो था चली गई गोवर्धन, हम लोग 7-8 भक्त लोग थे हैं। अभी इतने में क्या हुआ, देखो एक आश्चर्य चीज़ देखो, जिस पत्नी को साथ में तो 60-70 साल एक साथ में सोए हो, एक बिस्तरा में तुमने लेटा, उसको शरीर में ऐसे कौन सा चीज थी जिसको साथ में तुमने 60-70 साल को बिताया, उसके शरीर में ऐसे कौन सा चीज चली गई जो तू उसको साथ में सोना नहीं उसी घर में सोने के लिए भी तुमको डर लगता है। वो घर में भी सोया नहीं, दूसरे घर में सुलाया, सोया नहीं रात भर, उसको नींद नहीं आई, उसको नींद नहीं आई डर से। बोले ऐसे क्या चीज थी उसके शरीर में जो उसको साथ में सोता था, क्या चीज चली गई उसी घर में भी तू सोने के लिए डरते, तो उसका अंदर कोई थी कि नहीं, उसके अंदर में क्या थी बता, वो आत्मा थी उसको शरीर में, तभी तुम उसको साथ में रहा। आत्मा चली गई तो देखना शरीर का, देखना उनका जो शरीर धीरे 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 विकृत होने लग जाती है, धीरे 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 विकृत होना शुरू हो जाता है शरीर में, बदबू आने लग जाती। कारण क्या है? ऐसे कौन सा जो थी जो शरीर को पूरा चेता एकदम चेतनता रखती थी, शरीर का एक अंग में रहने पर भी संपूर्ण उसको चेतनता रखती थी, ऐसे कौन सा चीज चली गई जो कि धीरे 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 सड़ना शुरू हो जाते शरीर, तो वो कौन थी? ये आत्मा थी। इसलिए हम शरीर नहीं, हम कौन है? आत्मा है। इसलिए हमें किसकी खोज करनी चाहिए? आत्मा की खोज करनी चाहिए। हम कौन है? हम कौन है? अगर ये चीज को समझ गए ना, अभी बता सुना रहे थे ना, ये आत्म तत्व को जो समझ लिया जीवन में अमर हो जाता है। जैसे हनुमान जी आत्म तत्व को समझ गए, गोस्वामी तुलसीदास जी समझ गए, मीरा ने समझ गए, देखो दुनिया में ये अमर हो गए। इसलिए हमें आत्म तत्व को हमें अनुसंधान करनी चाहिए। अगर जीवन में खुश रहना चाहते क्या करो, हम कौन है? हम भगवान की नित्य दास है। जब नित्य दास उनकी सेवा करो, इधर उधर देवादेव की सेवा नहीं करनी चाहिए, समझ रहे हो? तुम जो हम जीव है वो ईश्वर का ही अंश है, जब उनका अंश है तब हमारे किसकी सेवा करनी चाहिए? ईश्वर की सेवा करनी चाहिए ना। इसलिए भगवान को ही भक्ति हमें भगवान की करनी चाहिए, इधर उधर देवादेवी की भक्ति नहीं करनी चाहिए। जगत में 33 करोड़ देवता, कितने को मनाओ बताओ, लेकिन कृष्ण ऐसे के देवता है, एक अगर कृष्ण खुश हो गए ना, सारी देवादेवी 33 करोड़ देवादेवी अपने आप तुम्हारे ऊपर में प्रसन्न हो जाएंगे। रामायण सुने हो? जब हनुमान को बांध करके ले गए, हनुमान जी देखा सोचो पिताजी घर में झाड़ू लगा रहे थे। हनुमान जी के पिता कौन है? देखा उसके घर में झाड़ू लगा रहे थे, देखा जो अग्निदेव था उसके घर में कपड़ा धुलाई कर रहा था। ब्रह्मा जी को देखा वेद सुना रहा है, जिस शनि मंगल जितने ग्रह रामायण देखते होंगे, जब हनुमान को बांध करके ले गए रावण को सामने खड़े करके, देखना सारे देवता को उसने बांध करके रखा, किसी को उसने छोड़ा ही, सबको उसने बांध करके रखा 33 करोड़ देवता को, और सबके सब प्रार्थना कर रहे थे हनुमान जी हमें निकालो, हनुमान जी हमें ये विपत्ति से हमें उधार करो हैं। इसलिए सबको रावण ने सबको बांध कर रखा था, लेकिन एक प्रभु राम खुश नहीं किया था। रामायण देखे होंगे काल को यार नीचे दबा कर रखा था, देखे कि नहीं काल को नीचे, काल को, इसलिए किसको छोड़ा नहीं। शंकर जी तो घर में थे उसकी, और देवी तो स्वयं लंकिनी स्वयं चौकीदारी करती थी घर में, सारा दुनिया देवता को उसने बांध कर रखा था बस, लेकिन एक राम को उन्होंने खुश नहीं करा, लंका समेत ध्वंस हो गया। अब बता विभीषण किसको शरण में था? भगवान श्री राम और किसी की नहीं, केवल प्रभु राम के शरण में, वही अकेला बच गया और सब के सब खत्म हो गए। इसलिए कहते अगर प्रभु कृष्ण की शरण ले लोगे ना, अभी बच्चोगे सारा दुनिया खत्म हो जाएगा, अभी बच्चोगे। अगर वो अगर खुश नहीं हुआ 33 करोड़ देवता को पूजा करते रहे, कुछ होने वाले नहीं, काम में कोई नहीं आएगा। इसलिए अंतिम समय मरते समय इसलिए बोलते भैया राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है, इधर उधर जितने पूजा की होगी झूठा ही तुम्हारी, और जितने प्रभु कृष्ण की पूजा की वही तुम्हारी काम में आएगी, ठीक है ना। इसलिए कल हम लोग इस विषय पर सुनेंगे सुप्रीम पार्सनैलिटी वगैरह, भगवान कृष्ण ही समस्त कारण का जो कारण है, कैसे समस्त कारण का कारण है, कल आप इस विषय पर सुनेंगे, ठीक है? ठीक हो? इसलिए यहाँ से कुछ लेकर के जाना,
खाली हाथ से ज्ञान नहीं जाना, 7 दिन बाद में इतने ज्ञान हो जानी चाहिए, भगवान की भक्ति में डूब जानी चाहिए, ठीक है ना। आज गिरिराज जी की पूजा है, आप लोगों को जो बढ़िया बढ़िया चीज आता है, हर व्यक्ति एक एक आइटम बनाना, ठीक है। क्या बढ़िया भी तुम बनाते हो? हाँ बना लेते हो क्या? जो बनाते हो एक ही, सब एक ही चीज सब नहीं बना देना, दाल बाटी चूरमा एक ही नहीं बना देना। इसलिए इसलिए जो जिसको चीज को अच्छे बनाते हो आपस आपस में बात कर लो, इसको बंद कर दो, इसलिए आपस आपस